अच्छा एक चंडाल है, ये अलग है, ये मेरा साथी हर टाइम रहता है। अच्छा ठीक है, ये मेरे को कोई कोई चीज जो वो बोलना चाहता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी वा कुछ भी अच्छा वा बुरा जो भी चीज है, हाँ। मेरे को वो बोल देता है। अच्छा। ये एक काम चल रहा है भाई, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। अच्छा। पहले से मेरे को बता देता है, मैं खुद मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं है। अच्छा। और ये जो काम जो है मेरा बाएं हाथ में जो है, ये जो है का है, ये कोई नेगेटिव काम जो होता है इसको भी खत्म करने के लिए। अच्छा, मेरा पास रहता है। अच्छा महाराज जी, ये तो हो गया एक तरह से अपना यंत्र बोलते हैं जो, है ना, अपने हथियार, है ना। अब आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा हथियारों की बात हो गई। अब हथियारों से जनता को या जो लोग परेशान हैं उनको क्या फायदा है और किस किस परेशानी में आप काम करते हैं? देखिए, हम पहले से आपको बोला था, ये पहले जो वीडियो था उस टाइम पर मैंने बोला था, ये आकर्षण वशीकरण विदेशन वहीकरण उच्चाटन सब होता है, मारण भी होता है। जब किसी को कोई भौतिक जो क्रिया उसकी मतलब असर पड़ता है, सब क्रियाक्रम लिए हम लोग इंटरनल के लिए क्योंकि एक एक टाइप का एक एक क्रियाक्रम जो होता है अलग अलग तरह का। मेरा जो गुरु है, मेरा 10 गुरु है, 10 गुरु शिक्षा गुरु। अच्छा, शिक्षा गुरु नहीं। अच्छा अच्छा, मेरा शिक्षा गुरु जो होता है 10 गुरु है। अच्छा। गुरु तो मेरा एक ही है, धीरेशनंद महाराज जी। हाँ। ठीक है, लेकिन मेरा शिक्षा गुरु जो है 10 गुरु है। अच्छा, 10 गुरुओं से आपने अलग 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 से एक एक आदमी के पास से मैं नहीं मिला किसी। अच्छा, 10 गुरु के पास से मैंने लिया है। महाराज आपने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा में बहुत सारे काम होंगे जो आप करते हैं, तो मैं सभी काम की तो बात नहीं करूंगा, कुछ जो जरूरी काम है जो सबसे ज्यादा घर में लगते हैं, है ना, और जिन वजह से वो घर टूट जाते हैं, मैं उन समस्याओं के बारे में आज बात करूंगा। सबसे बड़ी बात होती क्या है, सास और बहू इन दोनों में अक्सर करके झगड़े होते रहते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिनमें झगड़े ना हो, तो सास बहू का जो झगड़ा हो रहा है उसको शांत करने के लिए क्या है, कैसे शांत होगा? देखिए, एक बात बोलो, आजकल जो सास जो होता है, ये बहू जो होता है, बहुत क्या है आजकल जो युग जो है, एक कौन सा युग है मालूम है? कलयुग। कलयुग का खत्म होने वाला है, ये संग्राम युग है। अच्छा। आपको बचने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। आप देखिए ना, संसार में बस ट्रेन में जो भी जाओगे आपको संग्राम करके जाना पड़ेगा। ये संग्राम युग है, एक और युग का जो चक्र काल चक्र जो है ना, वो एकदम लास्ट टाइम का है। ये युग में जब साधना करके सब तभी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ये बात कर सकता है। तो अब एक संग्राम युग में, अच्छा ये संग्राम युग है, संग्राम युग है। आप सोच लीजिए, आप ओम शांति में जो है वो वहाँ पर जो जो क्या चलता है ना, वहाँ पर पूछ लीजिएगा, ये जो चल रहा है कॉलेजी को लेकर, कॉलेजी खत्म हो गया, ये संग्राम युग चल रहा है। आपको जीने के लिए हर टाइम संग्राम करना पड़ेगा। संग्राम तो कर रहे हैं सास बहू आपस में, संग्राम ही हो रहा है, लेकिन इसको शांत कैसे किया जाए? शांत कैसे करना है? देखिए, ये जो झूठ जो बोल रहा है ना, सास जो सास था से थोड़ा सा ओल्ड मॉडल का था, लेकिन नया जो झूठ चल रहा है संग्राम झूठ का ना, वो डिस्पायर्ड हो गया। वो जो वो जो है वो डिस्पायर्ड हो गया। वो सास बोला गया, ऐसा मत करो बोमा, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोला नहीं क्यों नहीं करूँ, उसको मीनिंग चाहिए, किस लिए करूंगा, नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा बातों में खुद लफड़ा हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। इसके लिए क्या चल रहा है, सास को थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये एक मेरा हमारा तो जीवन का थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन इसको करने के लिए ये तो हो गई अपना माइंडसेट, सोच हो गई, लेकिन कोई अपनी सोच नहीं बदल सकता। नहीं, मान के चलो बहू हो या सास हो, दोनों की सोच अलग अलग है, और दोनों ही अपना लठ लेके तैयार है कि हम नहीं झुकेंगे, और वो कहती है हम नहीं झुकेंगे, उसमें तंत्र विद्या से कैसे किया जाए? पहले पहले आपको देखना चाहिए कि कौन पहले मेरा सामने आएगा, जी सास आएगा न बहू आएगा, तो मेरे को पहले सोच समझ के देखना होगा जी नहीं सास गलत कर रहा है, तब हम बताएंगे जी नहीं आप गलत कर रहा है, आपको हम क्या कर सकते हैं। मान के चलो आपके सामने बहू आ गई, हो जाएगी बोलना, सास मेरे को हर टाइम में मेरे को मुसीबत करता है, ऐसा करता है, पहले मैं हम उसको ध्यान में हम देखेंगे, मेरा जो मेरा चंडाल था उसमें हम देखेंगे, जो झूठ बोला ना गलत बोला है, नहीं वो सच सच बोल दिया, तब मैंने सास के कैसे करके उसको बस में लेना है वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, और जब सास आएगी तो सास के पहले पास को देखना पड़ेगा, उसको बात करने के लिए भी चीज करेंगे। अच्छा, जो आपका चंडाल है उससे देखेंगे, देखेंगे सास बहू का झगड़ा क्यों है। तो सभी दर्शकों को बता दूं, सास बहू के झगड़े के अक्सर करके बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, और कहीं ना कहीं उन सीरियलों का हिस्सा होता है जो कि सास बहू के झगड़े होते हैं। घर की जो बिगड़ता है, जो बिगड़ते हैं घर टूटते हैं, अक्सर करके सास बहू के झगड़े ही उनको तोड़ते हैं। तो कुछ सीख मिलती है वीडियो से और तंत्र क्रिया से, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है झगड़े को, यही सारी चीज़ें महाराज से जानी है। ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें महाराज जी से, उस सवाल के बारे में नेक्स्ट टाइम पर जरूर पूछेंगे। ऐसे ही वीडियो मिलेंगी, चैनल पर बने रहें, धन्यवाद। आदेश महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।